नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंद्रा जनरेटर्स पे। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ किर्लोस्कर कंपनी का 62.5 KVA का जनरेटर, जो कि पुराना है, पूरा का पूरा रिफर्बिश किया हुआ है, हमारे ही वर्कशॉप में रिफर्बिश किया हुआ है। हमने इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में कर दिया है, आप देख लीजिए इसको। ये जनरेटर हमारा किर्लोस्कर कंपनी का 4R1040 TCE डीजल इंजन है, जो कि पुराना है। साथ में इसके अंदर हमने ऑल्टरनेटर लगाया हुआ है, साथ में हमने इसको नई कैनोपी इंपोज की हुई है। ये पूरा का पूरा जनरेटर ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंडीशन में है। इस तरह के जनरेटर हम लोग अपने यहाँ पर रिफर्बिश करते हैं, और देखने में कहीं से भी आपको कोई चीज़ पुरानी लगेगी। इसके अंदर सारा सब कुछ हमने काम नया किया हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ इसके बारे में, पूरी डिटेल आपको इस बारे में बताता हूँ। ये देखिए, इसमें ये ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, ये सिंगल बैरिंग का ब्रशलेस ऑल्टरनेटर है। साथ में इसके साथ किर्लोस्कर 4R1040 TCE डीजल इंजन लगाया हुआ है। ये डीजल इंजन पुराना है, साथ में इसमें नया रेडिएटर लगाया हुआ है। पूरे इंजन को मेजर ओवरऑलिंग की हुई है, ओवरऑलिंग करके पूरा स्टैंडर्ड कंडीशन में इंजन को तैयार किया गया है। इसके इंजन के अंदर चारों लाइनर, चारों पिस्टन, चारों स्लीव, CR, गैस्केट, रिंग, पिस्टन वगैरह, हेड वगैरह सारा काम किया हुआ है। साथ में नया सेल्फ लगाया हुआ है, नई बैटरी लगाई हुई है, फेनर की बेल्ट लगाई हुई है, देख लीजिए आप, 5 धारी वाली। साथ में EPDM के हॉस पाइप लगे हुए हैं, ये सारे के सारे सेंसर्स एक्टिवेटेड हैं। ये रेडिएटर लगा हुआ है, कंपनी का ओरिजिनल बैंको कंपनी का रेडिएटर लगाया हुआ है साथ में। और पूरा देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर तरीके से, कितनी सुंदर क्वालिटी से जनरेटर बनाया हुआ है। ओरिजिनल कंपनी की बैलू लगाई हुई है, और पूरी कैनोपी देखिए, ब्रांड न्यू है कैनोपी, कहीं से भी कोई पुरानी नहीं है। इस जनरेटर की पुरानी कैनोपी ख़राब हो गई थी, स्क्रैप आउट हो गई थी, हमने इसमें नई कैनोपी इम्पोज की है। इस तरह के जनरेटर हम लोग रेगुलर बना के लोगों को सेवा देते हैं, लोगों को देते हैं, सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर जनरेटर हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ में यूज़ होते हैं। ये एक इमरजेंसी स्टॉपर है, जो कि जनरेटर को इमरजेंसी बंद करता है। ये देखिए, कंट्रोल पैनल दिखाता हूँ आपको। इस कंट्रोल पैनल के अंदर हमने एक चाबी का स्विच लगाया हुआ है, एक बैटरी चार्जिंग का मीटर लगाया हुआ है, साथ में एक VF मीटर लगाया हुआ है, जिसके अंदर वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर तीनों चीज़ चेक कर सकते हैं आप। 3 फेस इंडिकेटर लगाए हुए हैं, एक ऑयल प्रेशर मीटर लगाया हुआ है, एक बैटरी चार्जिंग मीटर लगाया हुआ है। साथ में ये देखिए, हैवी ड्यूटी की इसमें आउटपुट केबल लगाई हुई है, जिससे कि कस्टमर की तार जलने की शिकायत नहीं हो। ये डीजल डालने का टैंक है, ये फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, ऑटो स्टॉपर लगा हुआ है, इसको बटन दबाएंगे इंजन बंद हो जाएगा। साथ में देखिए, CPCB की एम्बोजिंग की हुई है। पूरा इंजन बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है, जेन्युइन पेंट में है, बिल्कुल सब सारी फिटमेंट जेन्युइन है। देखिए, डीजल के पाइप भी सारे हाइड्रोलिक लगाए हुए हैं, डीजल का टैंक का मीटर भी लगाया हुआ है। किर्लोस्कर का पूरा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट इसके अंदर यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं कहीं। और ओरिजिनल देखिए, ये इंजन की ओरिजिनल प्लेट है, आप देख सकते हैं ये इंजन कौन से मॉडल का है, कौन सा और ये कब का बना हुआ है। ये किर्लोस्कर का ओरिजिनल इंजन है, ये दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है। देखिए, आप पूरे सेट को मैं आपको दोबारा रिव्यू करके दिखाता हूँ कि पूरा सेट किस तरीके से लग रहा है। अभी आपको इस इंजन को चालू करके भी दिखाऊंगा, आपको ये महसूस होगा कि जनरेटर किस तरह से चलता है, किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस आती है। बिल्कुल आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में लगातार। आप देखिए, ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल में चाबी का स्विच मैंने ऑन कर दिया है। आइए मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, दोबारा एक बार देख के दोबारा से दिखाता हूँ किस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कितना एकदम स्मूथ जनरेटर चल रहा है, बिल्कुल कहीं से भी कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल 0 वाइब्रेशन पे है सेट, बिल्कुल फुल लोड ट्रायल सेट है पूरा। आप सब तो आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ से ही आपको महसूस हो सकता है कि इंजन कितनी शानदार तरीके से दहाड़ रहा है। ये दहाड़ता हुआ शेर है ये, बिल्कुल ये देखिए, कंट्रोल पैनल की सारी लाइटें इसकी इग्निशन ऑन हो चुके हैं। ये बंद करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से चलता है। ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जनरेटर है, ये किर्लोस्कर का जो है 4R1040 और सबसे कामयाब डीजल इंजन है, और इंडस्ट्रीज़ के लिए नंबर 1 है, डीजे के लिए नंबर 1 है, लाइट डेकोरेशन साउंड के लिए नंबर 1 है, हर तरीके से नंबर 1 है ये। मतलब कहीं से भी कुछ इसमें कोई वो नहीं है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी यूट्यूब से ले सकते हैं, उसके अलावा गूगल से ले सकते हैं। नंबर 1 बेस्ट जनरेटर है ये। बने रही हमारे साथ इसी वीडियो में, हम आपको और भी डिटेल्स अभी देंगे। जनरेटर भी पैक होकर जाएगा, फुट ट्रायल होकर टेस्ट होकर। देखिए पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, इमरजेंसी स्टॉप से बटन पर बंद कर दिया, ये हमने इसको बंद कर दिया, इमरजेंसी स्टॉप को स्विच को ऑन कर दिया है। पूरा गेट बिल्कुल एकदम ओके कर दिया है, जनरेटर चेक हो चुका है, पूरा फाइनल ग्लास पैनल टेस्टिंग हो चुकी है। ये चाबी का स्विच हम ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ करने के बाद इसको पैक कर देंगे, पैक करके उसको लोडिंग के लिए तैयार है। ये जनरेटर बिल्कुल रेडी हो चुका है, डिस्पैच मोड में है, देख सकते हैं लोडिंग चालू है। बने रहिए हमारे साथ, आप दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए जनरेटर तैयार हो चुका है, पूरा जनरेटर पैक हो चुका है, लोडिंग के लिए जनरेटर जा रहा है। ये गाजी जनरेटर हमारा रुद्रपुर के जा रहा है,
रुद्रपुर पड़ता है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, देख सकते हैं आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है बिल्कुल शानदार तरीके से, जनरेटर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो पर, इस तरह की धमाकेदार वीडियो में रेगुलर लाता रहूँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक धन्यवाद।